हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारी है क्लास नंबर 6 FOC की। ओके, और हमने 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट किया था। और जो भी स्टूडेंट्स अभी भी शुरुआत से नहीं देखे, वो सभी शुरुआत से देख सकते हैं कोर्स को। ओके, ताकि आपको पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, और आज हम चैप्टर में करने वाले हैं बार कोड, MICR, QR कोड एंड OCR। ओके, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके बाद में इनके MCQs भी हम करने वाले। ओके, ताकि हमको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, तो देखिए जितने सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से बन सकते हैं उतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है आपको। ओके, तो बिल्कुल आपको एकदम निष्फिक्र रहना है कि एग्जाम को लेकर एकदम निष्फिक्र रह सकते हैं आप। ओके, और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ओके, एक एक चीज़ आप याद करने की क्षमता रखिए। ओके, अगर आपको सारी चीज़ें याद है तो आपके क्वेश्चन श्योर है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके, तो अब हम बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं थ्योरी की ओर। ओके, हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में MCQs हम करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बार कोड के बारे में पढ़ते हैं, और जो बार कोड रीडर होता है उसको बोलते हैं हम BCR। ओके, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बार कोड होता क्या है। तो बार कोड इस टाइप से होता है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका बार कोड है। ठीक है, बार कोड के बारे में एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए सारी लाइनें होती है, अलग अलग चौड़ाई और लंबाई की लाइनें होती है। ठीक है, और ये काली और सफेद लाइनें होती है। जैसे देखिए ये ब्लैक लाइन है और उसके बाद में देखिए ये व्हाइट लाइन है। तो इस प्रकार से लाइनें इसमें होती है बार कोड में। ठीक है, और ये बार कोड लगा कहाँ पर होता है। जैसे आप किसी मॉल, शॉपिंग मॉल में आप जाते होगे या सुपरमार्केट में आप गए होंगे कभी। ठीक है, तो सुपरमार्केट से जो भी सामान आप खरीदते हो उसके ऊपर इस टाइप से एक बार कोड लगा होता है। ठीक है, और उसको स्कैन करने के लिए जो यूज किया जाता है ना, उसको बोलते हैं BCR। ठीक है, ये होता है बार कोड रीडर। ठीक है, जो इसके हाथ में, ये आपका होता है क्या, बार कोड रीडर। ठीक है, BCR। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BCR, और इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखिए बार कोड अलग अलग लंबाई चौड़ाई की समांतर काली एवं सफेद लाइनों द्वारा होना। ठीक है, ताकि जो बार कोड है वो अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की समांतर काली रेखाओं से। देखिए ये सारी की सारी रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं क्या होती है, एक के बाद एक। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और काली और सफेद लाइनें यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, अब क्या देखा, यह विभिन्न उत्पादों पर प्रयुक्त होता है। इसमें उत्पाद की निर्माता कंपनी, उत्पाद के मूल्य एवं मात्रा संबंधी सूचना स्टोर होती है। ठीक है, तो ये जो बार कोड होता है ना, ये बार कोड होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर एक तो इसकी रेट, जो हम मान लीजिए कोई सामान खरीदे, जैसे मान लीजिए साबुन का पैकेट हम ले रहे हैं। ठीक है, और या मान लीजिए साथ में हम ले रहे हैं तेल। ठीक है, तो इन दोनों पर क्या लगा रहेगा, ये बार कोड लगा रहेगा। अगर आप स्पेसिफिक सुपर मार्केट से खरीदते हैं तब आपके सामने ये बार कोड लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस बार कोड पे क्या रहता है पता है क्या, इस बार कोड पे रहता है एक तो उस कंपनी, जो कंपनी बना रही है ना, उसका नाम रहता है। ठीक है, और एक इसकी जो रेट है ना, रेट कितनी है वो रहता है, ताकि इनका क्या आसानी से बिल बन पाए। ठीक है, और क्या रहता है इसके अंदर, और इसके अंदर मात्रा संबंधी चीजें रहती है। ठीक है, इसमें मतलब तेल कितने ग्राम तेल है इसके अंदर। ठीक है, और कितने लीटर तेल है ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें रहती है बारकोड में छिपी हुई, और इसको स्कैन किया जाता है BCR से। ठीक है, आगे देखिए बारकोड का प्रयोग पुस्तकालय। देखिए आप कभी लाइब्रेरी से बुक लेके आते होंगे तो वहां पर भी आपके सामने बारकोड रहता होगा, और उस पुस्तक जो आपको दी जाती है, वो बुक जो आपको दी जाती है, उसको स्कैन करके आपको दे दिया जाता है, और जब आप वापस देते हो तब स्कैन करके वापस जमा कर ली जाती है। ठीक है, तो वो भी कहाँ पर यूज किया जाता है, बारकोड पुस्तकालय में भी यूज किया जाता है, बैंक में यूज किया जाता है, और शॉपिंग मॉल में यूज किया जाता है। ठीक है, और भी आप चीजें बता सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे सुपर मार्केट में भी यूज होता है। ठीक है, सुपर मार्केट आप समझ पा रहे होंगे, बड़ी सी दुकान होती है जिसमें पूरा जो घरेलू सामान होता है वो रखा होता है। ठीक है, आगे देखिए बारकोड की खोज किसने की, जोसेफ वुडलैंड द्वारा की गई। ठीक है, तो बारकोड की खोज की गई जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए बारकोड मशीन रीडेबल कोड है, बिल्कुल ये मशीन रीडेबल कोड होता है। ठीक है, इसलिए बारकोड को पढ़ने के हेतु BCR प्रयुक्त होता है, बारकोड रीडर। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, और एक जो अगली UPC फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखनी है। ये UPC क्या है पता है, आजकल देखिए पहले तो ये BCR यूज होता था। ठीक है, आजकल यूज होता है UPC। ठीक है, तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला बार कोडिंग पैटर्न UPC यूज होता है। ठीक है,
जो बार कोड का जो पैटर्न है वो यूपीसी यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ओके आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्यू आर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक तो होता है बार कोड, ठीक है, बार कोड और क्यू आर कोड दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। बार कोड अलग होता है, क्यू आर कोड अलग होता है। क्यू आर कोड तो किस लिए यूज किया जाता है, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पर जो पेमेंट वगैरह करते हैं तब आप क्या यूज करते हैं, क्यू आर कोड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बार कोड कब यूज करते हैं, बार कोड हम यूज नहीं करते, बार कोड दुकान वाला यूज करता है, ठीक है। और ये क्यू आर कोड कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, ये भी दुकानों पर लगा रहता है, लेकिन हम इसको स्कैन करके वहां पे हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यू आर कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। और इसमें जो इसकी जो कुल लेंथ होती है ना वो होती है 15 बिट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके याद रखना आपको। इसकी जो क्यू आर कोड की जो लेंथ होती है ना, क्यू आर कोड की लेंथ वो होती है 15 बिट, ठीक है, 15 बिट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ओके, जिसमें 5 डेटा बिट्स एवं 10 एरर करेक्शन की एक्स्ट्रा बिट्स होती है, ठीक है। जिसमें क्या होती है, जो 15 बिट होती है ना उसमें 5 तो होती है डेटा बिट्स, ठीक है, और 10 होती है एरर करेक्शन की एक्स्ट्रा बिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस कोड को मोबाइल से स्कैन करके किसी वस्तु उत्पाद आदि का डिजिटल भुगतान किया जाता है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए ये सबसे पहले 1994 में आया था, और कहाँ पर आया था, जापान में आया था, ठीक है। सबसे पहले इसका यूज कहाँ हुआ था, 1994 में जापान में हुआ था, ओके। और देखिए इसके अलग नाम भी है, वो क्या है, एक तो होता है 2D बार कोड, इसको बोलते हैं, और इसको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर कोड, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो क्यूआर कोड और बार कोड में आप अंतर समझे होंगे, ठीक है। देखिए सेम सेम से लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं हम MICR क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आप बैंकों में गए होंगे, ठीक है, इस टाइप की आपने मशीन देखी होगी कोई, है ना, उसमें क्या क्या होता है, ये चेक को रीड करता है, ठीक है, जो भी चेक होते हैं ना उनको ये रीड करता है, कौन रीड करता है, MICR, ओके। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओके, तो ये होता है MICR, ओके। तो आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी इसको बोल सकते हैं, और रिकॉग्निशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इनपुट डिवाइस MICR का प्रयोग बैंकिंग सिस्टम में एवं उद्योगों में चेक को पढ़ने एवं तीव्र प्रोसेसिंग हेतु, तो आपको याद रखना है कि चेक को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, MICR का यूज किया जाता है, ओके। बैंकों में चेक पर चुंबक की स्याही से कुछ विशिष्ट प्रकार के अक्षर छपे होते हैं, इन्हें ही MICR द्वारा पढ़ा जाता है। देखिए जो चेक होता है ना उसके ऊपर चुंबक की स्याही से कुछ विशिष्ट प्रकार के अक्सर छपे रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को पढ़ा जाता है और उन्हीं को ये मशीन है वो समझ पाती है, ठीक है। मैग्नेटिक करेक्टर को स्कैन कर सकता है, अच्छा ये दोनों तो एक ही बातें होगी भाई, मैग्नेटिक मतलब चुंबक, ओके, और करेक्टर यानी अक्सर, मैग्नेटिक से जो चुंबक की स्याही से जो कुछ विशिष्ट प्रकार के अक्सर लिखे होते हैं उनको ये पढ़ पाता है, ठीक है। अब देखिए ये सबसे सिक्योर इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल ये सबसे सिक्योर है, इसीलिए इनको बैंकों में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए चेक नंबर है ना वो 6 अंकों के होते हैं, ठीक है, जबकि MICR है वो 9 करेक्टर तक ही स्कैन कर सकता है। देखिए चेक नंबर होते हैं 6 अंकों के, ठीक है, चेक नंबर होते हैं वो कितने अंकों के होते हैं, 6 अंकों के, ठीक है। और ये जो MICR है ना ये आपका 9 अंकों तक स्कैन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी मेन मेन याद रखनी है, सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि MICR किस लिए यूज किया जाता है, चेक को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, ओके, चेक के लिए यूज किया जाता है, बस इतना सा याद रखोगे काफी है। और फिर आप इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रख सकते हैं कि जो चेक नंबर होते हैं वो 6 अंकों के होते हैं, जबकि MICR है वो 9 अंकों तक स्कैन कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई MICR की बात, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, बारकोड पढ़ लिया, और बारकोड में भी हमने BCR और UPR जो भी था वो पढ़ लिया था, ठीक है, UPC हमने पढ़ लिया था, ओके, बारकोड और BCR और UPC हमने पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद में हमने QR कोड भी पढ़ लिया, ठीक है, और अभी हमने पढ़ लिया MICR, अब हम पढ़ने वाले हैं OCR के बारे में, ठीक है, और उसके बाद में हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। तो OCR क्या होता है, देखिए OCR होता है आपकी जो भी इमेज PDF फाइल या कोई भी हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं ना उनको डिजिटल फॉर्मेट में बदलना, ठीक है, वो एक मशीन होता है BCR, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसा आपने कभी देखा भी होगा, ठीक है, ये देखिए बिल वगैरह भी स्कैन करता है, वाउचर और ये जो भी चीजें होती है ना उनको स्कैन करता है और उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में बदलता है, ठीक है, डॉक्स फॉर्मेट में बदलता है, ठीक है, या इनको बदलता है Excel SX फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए ये जो OCR होता है ना
इसमें दो टेक्निक यूज होती है, एक तो इसके अंदर जो स्कैनर का, एक तो इसके अंदर होता है स्कैनर, ठीक है, जो कि क्या होता है हार्डवेयर, और एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज होता है जो कि यूज होता है ओसीआर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ओसीआर के अंदर क्या क्या होता है, एक तो लगा होता है स्कैनर, ठीक है, जो कि हार्डवेयर होता है, और एक इसके अंदर लगा होता है सॉफ्टवेयर, वो कौन सा, ओसीआर का सॉफ्टवेयर लगा होता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। ओसीआर किसी इमेज, पीडीएफ फाइल या हाथ से लिखे हुए या टाइप किए हुए या प्रिंट किए हुए, ठीक है, एक ही बात है सारी चीजें, टेक्स्ट की इमेज को कंप्यूटर द्वारा पढ़े जा सकने वाले टेक्स्ट में बदलता है, समझे गया। जैसे मतलब हमारे हाथ से मैंने मान लीजिए ये लिख रखा है हरी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अगर हम जैसे ही यूज करेंगे ना कागज के ऊपर, है ना, तो ये कंप्यूटर के पढ़ने लायक ये बना सकता है, ठीक है, और ये इससे क्या होता है एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ओसीआर डॉक्यूमेंट या इमेज को डीओसीएस, ये डीओसीएस क्या होता है, जब हम एमएस ऑफिस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि डीओसीएस क्या होता है, डॉक्स, ठीक है, ये एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो होता है, ठीक है, डॉक्स, ओके। और आगे आ गया XLSX फॉर्मेट में सेव कर देता है, ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में सेव कर देता है। इसका उपयोग बिल बुक, जो बिल बुक होती है उसको, वाउचर को और स्कैनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, बिल बुक और वाउचर को स्कैनिंग के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। यह स्कैनर एवं विशिष्ट सॉफ्टवेयर के संयोजन से बनता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था कि ये स्कैनर और एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर के संयोजन से बनता है। आगे देखिए, ओसीआर का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या इसको बोल सकते हैं रिकॉग्निजेशन, ओके, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ये होता है ओसीआर। और एमआईसीआर का क्या था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए ओसीआर का हमने देख लिया, स्कैनर क्या होता है हार्डवेयर होता है, ठीक है, स्कैनर क्या होता है हार्डवेयर होता है, जबकि ये जो ओसीआर होता है ना, ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है, ये आपको हमने बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए ओसीआर कौन कौन से, स्कैनर तो क्या हो गया हार्डवेयर, और ओसीआर एक सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये ओसीआर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक क्या है, संयोजन है, ठीक है। तो देखिए देखिए, जो भी स्टूडेंट आईए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कि आपको नोट्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके, और यानी कि हम पहले एक थ्योरी पूरी हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद में एमसीक्यूज उसके पर आधारित कर रहे हैं, ओके। तो जो भी रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण की तरह है, ओके। तो आप सभी जुड़िए और औरों को भी बताइए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके, ओके। अब देखते हैं हम इस पे जो एमसीक्यूज बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, ठीक है, हमने थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम एमसीक्यूज नहीं देख पाते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि एमसीक्यूज किस टाइप के इसमें बन सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं एमसीक्यूज। दुकानों में सामान्यतः, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, ओके, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाए। तो इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। ए में है बारकोड, बी में है एमआईसीआर, सी में है आरएफआईडी और डी में है ओसीआर, ठीक है। तो हमने बारकोड के बारे में पढ़ा है, एमआईसीआर के बारे में पढ़ा है और ओसीआर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, बताइए तीनों में से क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब आपको कौन सी लाइन पे ध्यान देना है, वस्तुओं को स्कैन करने के लिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वस्तुओं को स्कैन करने के लिए तो क्या यूज करते हैं हम, ओसीआर का यूज करते हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है, तो बीसीआर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या ऑप्शन लगाओगे, बारकोड यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। वैसे अगर बीसीआर दिया रहता तो इसका राइट आंसर क्या होता, बीसीआर होता बारकोड रीडर, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है टू, ठीक है, तो पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, तो वो कौन सी इनपुट डिवाइस है जो सुपर बाजारों में यानी कि सुपर मार्केट में यूज की जाती है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि क्या होता है बारकोड रीडर आपका होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और फिर आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना, एक बार पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए एक बार, बारकोड के संबंध में सही कथन है, बताइए इनमें से कौन सा सही कथन है। बताइए भाई,
देखते हैं कौन सा सही है। देखती बारकोड के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो ये मशीन रीडेबल कोड है, बिल्कुल ये मशीन रीडेबल कोड है जो सिर्फ नंबर्स एंड लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या देखिए, इसे अलग अलग लंबाई चौड़ाई के समांतर काली एवं सफेद लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल हमने ये भी पढ़ा था। ओके, किसी प्रोडक्ट पर लगे बारकोड में उसकी निर्माता कंपनी, उसका मूल्य, मात्रा आदि से संबंधित जानकारी स्टोर रहती है, बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा था। तो तीनों ये सही हो जाते हैं। ओके, और फोर्थ क्या देखिए, बारकोड बैंक, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल आदि में काम में लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो आपके चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी बी ऑप्शन है वो राइट है। ओके, तो देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने के बाद तो आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर है फोर। किसी उत्पाद प्रोडक्ट पर काली एवं सफेद खड़ी लाइनों को किसके द्वारा पढ़ा जाता है, किसके द्वारा पढ़ा जाता है बताइए, बारकोड रीडर के द्वारा, तो बीसीआर, बारकोड रीडर। ओके, तो ये हो गया बीसीआर इसका राइट आंसर। चलिए अब जल्दी जल्दी से करते हैं। उत्पाद लेबल पर डेटा को पढ़ने वाली डिवाइस है बताइए, बोला कि जो भी उत्पाद होता है उसके ऊपर जो डेटा रहता है यानी कि बारकोड रहता है उसको किसके द्वारा रीड किया जाता है, ठीक है, तो बारकोड रीडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न उत्पादों पर प्रयुक्त बारकोड का प्रथम पेटेंट में जारी द्वारा जारी हुआ, ठीक है, बताइए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, हमने डिस्कस किया था जोसेफ वुडलैंड के बारे में, है ना। तो देखिए विभिन्न उत्पादों पर प्रयुक्त बारकोड का प्रथम जो पेटेंट है वो कब कब आया था, 1951-52 में, और किसके द्वारा जारी हुआ, जोसेफ वुडलैंड के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और आ भी सकता है आपके एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते ही उत्पाद का सीक्रेट कोड पाठन में प्रयुक्त बीसीआर का पूर्ण रूप, देखिए अब कितनी भाषा बोली गई है ना, सीधा पूछ लेते हैं ना बीसीआर का पूर्ण रूप, है ना, तो इसका बीसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है, बारकोड रीडर। ओके, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आपका सही आंसर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला बारकोडिंग पैटर्न यूपीसी का पूर्ण नेम, ठीक है, तो यूपीसी का पूरा नाम बताइए, तो यूपीसी का क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ठीक है, क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते ही आगे है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन। कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों, उद्योगों में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये मान सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में फिर से छप जाए, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि MICR होता है जो कि क्या करता है, चेक को रीड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब MICR की फुल फॉर्म पूछिए तो मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक इंक, ठीक है, बीच में याद रखना इंक, यहाँ पे इनपुट दे रखा तो ये गलत हो गया, इंक है यहाँ पे, ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये आपका सही हो जाता है। ओके, और वैसे तो ये भी आपका सही है, नहीं, मोडियम लिख रखा यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाता है, मीडियम भी गलत है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता तो भी सही रहता, ठीक है, और यहाँ पे रिकॉग्निशन है तो भी सही है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मोडियम दिया हुआ है, ठीक है, मोडियम मीडियम कुछ नहीं होता भी है ना, तो मैग्नेटिक और ये गलत हो गया इनपुट की वजह से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ओके, तो देखिए पूरी मतलब पूरा ध्यान से आपको देखना है, आते हुए भी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते स्टूडेंट इस प्रकार से गलतियां कर देते हैं। ओके, तो खालिस्तान के स्थान पर बताना है आपको चेक्स के तीव्र कार्य संपादन, यानी चेक आ गया ना, मतलब MICR के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है, के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है, तो MICR है, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो देखना ही नहीं है। ओके, चेक नाम आते ही मतलब MICR। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, भाई चेक आ गया फिर से MICR, देखिए एक नाम अगर आप याद रखते MICR मतलब चेक, ओके,
उतने में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है और आपको रोजाना क्लास अटेंड करनी चाहिए। बस आधे घंटे की तो क्लास होती है ना, जब भी आप बोर हो रहे हो तब आप क्लास को देख सकते हैं, रिविजन मोड पे देख सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड करके देख सकते हैं, धीरे करके देख सकते हैं, ओके। तो जैसे भी आप देखना चाहिए देख सकते हैं, ओके। और क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ओके। आगे देखते हैं, इनमें से कौन उद्योग चुंबक की स्याही, देखिए अब चुंबक की स्याही भी आ गया फिर से, है ना, गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। तो प्राथमिक उपयोग करता तो वही बैंक ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके। तो MICR यूज कहाँ पे होता है, देखिए MICR की तीन चार बातें हम देख लेते हैं। MICR यूज होता है बैंकों में, और किस लिए यूज होता है, चेक के लिए यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर जो प्राथमिकता है वो बैंकों में है, ओके, और उसके बाद में उद्योगों में भी हो सकता है, ठीक है। जहां जहां पर चेक की जरूरत होती है वहां वहां पर MICR यूज होगा, ठीक है। आगे देखिए, स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे टेक्स्ट को पढ़ती है, बताइए क्या कहलाती है। मैंने बताया था ना कि टेक्स्ट को पढ़ना है तो क्या लेके आएंगे हम, OCR, एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, OCR हो जाएगा, ओके। हाँ भाई समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई कमेंट सारे लोग करके जाएंगे और बता के जाएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और बिल्कुल जो भी चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहे, ओके। देखिए इनपुट डिवाइस OCR का पूरा नाम आपको बताना है, OCR का पूरा नाम बताइए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओके, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निजेशन हम भी बोल सकते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। ये क्यों गलत हो गया, यहाँ पे रूलिंग आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, चार्ट भी आ गया, ओके, और यहाँ पर आपका रीडी आया, खाली रीडर नहीं आया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है। तो इनको पूरा एकदम कंप्लीटली आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे, ओके दोस्तों। आगे क्या है, देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR किसका एक उदाहरण है, बताइए किसका एक उदाहरण है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि क्या है, बताइए भाई, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो बिल्कुल ये इनपुट डिवाइस ही है भाई, ये कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेज रहा है ना, मतलब जो भी पेज पे लिखा रहता है उसको कंप्यूटर के पढ़ने लायक बना रहा है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल ये इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। आगे देखिए, स्कैनर एवं विशेष सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने इनपुट डिवाइस OCR का प्रमुख कार्य है, बताइए क्या कार्य है इसका, पढ़िए एक बार सारे ऑप्शन पढ़िए, सभी ऑप्शन पढ़ेंगे एक बार। कागज पर हस्तलिखित एवं प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पढ़े हुए अक्षरों का संपादन यानी कि एडिटिंग एवं फॉर्मेटिंग करना, बिल्कुल सही बात है। पुराने दस्तावेज पढ़ना एवं इलेक्ट्रिक फिलिंग करना, ठीक है। तो इसके उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे भी हमने OCR के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, ओके। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में डिजिटल पेमेंट हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त QR कोड का पूरा नाम, तो क्विक रेस्पॉन्स कोड इसका होता है, और ये है आपका बी ऑप्शन में। तो ये फुल फॉर्म आपको सारी की सारी याद करनी है, ठीक है। आप एक पेज में लिख के दीवार पे चिपका भी सकते हैं ताकि आप रोजाना देखोगे तो याद हो जाएगा, ओके। डिजिटल भुगतान प्रणाली में प्रयुक्त QR कोड की कुल लेंथ कितनी बिट होती है, तो हमने देखा था कि 15 बिट होती है, उसमें भी ये दो भागों में बंटी होती है, 5 और 10 में, ठीक है। ये एरर वाला था और ये बिट होती है, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, टोटल हमने 19 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ओके। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं, और आज की क्लास यहीं पर पूर्ण हो चुकी है, और ध्यान देना है कि कल आपका क्या है, सैटरडे है, बिल्कुल, है ना, और परसों आपका संडे है, तो सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहेगा, यानी कि वीकेंड रहेगा, ओके। और फिर भी देखिए ऑफ करके भी हम जल्दी जल्दी हम सिलेबस पूर्ण कर लेंगे, ओके, कोई टेंशन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। और जैसे ही इसका सिलेबस पूरा होगा वैसे ही हम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे, ओके। और लगातार आप क्वेश्चन देखते जाइए, आधा घंटा कोई ज़्यादा नहीं होता है, ओके, और आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप लगातार आप बने रहोगे, तो लास्ट दिन आप देखना, ठीक है, लास्ट दिन आप देखना कि आपकी तैयारी किस लेवल की होगी, ओके। अब देखिए सैटरडे और संडे को क्या करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, एक बार अपने जो भी नोट्स आपने बना रखे अगर, और नहीं बना रहते तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, ओके,
तो एक बार आधा आधा घंटा या एक एक घंटा बैठ के आप आराम से रिविजन करिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा याद आ जाए, ठीक है। और धीरे 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 जैसे जैसे कोर्स पूरा होगा कुछ रिविजन का मैटर आपके पास बन जाएगा, तो हम बाद में क्या करेंगे, संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट लिया करेंगे, ठीक है। और उस टेस्ट में आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए, ओके, ताकि आपको अपनी तैयारी है वो पूर्णतया आपको पता चल सके, ठीक है। और देखिए जो भी अन्य जो भी कंप्यूटर की जो भर्तियां हैं उनमें भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। वहां पर भी आप अगर कोई अन्य भर्ती का भी है तो वो भी यहाँ पर तैयारी कर सकता है जिनके भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है, ओके। तो मैंने शुरू में सिलेबस भी बताया था, तो वो सिलेबस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ओके। और जो भी लोग IA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया गया है, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं और मिलते हैं मंडे को, ओके दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी देर तक जुड़े रहे, ओके ओके, थैंक यू।